जी सर, जिस तरह से रूबेला और खसरे के टीकाकरण से एक बच्ची की मौत हो गई और कुछ बीमार पड़ गए, तो क्या मामला है और किस वजह से ऐसा हो रहा है? ये जो खसरा का टीका है, ये रूबेला के साथ मिलकर के खसरा और रूबेला के रूप में नई वैक्सीन तैयार हुई है, और ये वैक्सीन फुल्ली टेस्टेड है, किसी भी खतरे से बाहर है। इसके रिएक्शन बहुत ही रेयर हैं, और अभी जो ये घटना हुई है, इस घटना को लेकर के हम लोग भी थोड़ी सी चिंतित हैं, क्योंकि ये घटना मेयरपुर ब्लॉक के एक स्कूल, बुधरावा स्कूल में एक बच्ची की मौत से संबंधित है। इस बच्ची को 29 तारीख को टीका लगा था, 12:30 बजे दिन में इसको टीका लगा था, जैसा वहाँ के रिकॉर्ड से पता चला है। और ये बच्ची 3 बजे स्कूल में, 3 बजे तक स्कूल में बिल्कुल स्वस्थ थी, घूम रही थी, टहल रही थी, हंस खेल रही थी, और 3 बजे जब ये स्कूल से पैदल चलकर अपने घर तक गई, और 1 घंटे बाद इसने अपने अभिभावकों को, अपने पिता को बताया कि थोड़ा हल्का सर दर्द है, तो अभिभावक ने उसको अवॉइड किया, उन्होंने उसको उस तरह से नहीं लिया, क्योंकि सर दर्द की बात थी। और रात में उसने, बच्ची ने खाना भी खाया, और खाना खाने के बाद जब वो सोई तो फिर उसको हल्का फीवर शुरू हुआ, और रात में उसको सांस फूलने की भी शिकायत शुरू हुई। इन लोगों ने उस समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी को संपर्क नहीं किया, न ग्राम प्रधान को संपर्क किया, न हमारे स्वास्थ्य किसी स्वास्थ्यकर्मी को संपर्क किया, न किसी चिकित्सालय को संपर्क किया, और ये लोगों ने रात किसी तरह से निकाल दी। सुबह सो के उठे तो देखा कि बच्ची को बहुत तेज़ बुखार है और उसकी सांस फूल रही है, और बच्ची तकरीबन बेहोशी की स्थिति में जा रही है। तो इसे आनन फानन में लेकर के 10 बजे हमारे अस्पताल पे पहुँचे थे, वहाँ अनपुरा हॉस्पिटल में, और अनपुरा हॉस्पिटल में देखने के बाद बच्ची सीरियस थी, वहाँ जो प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद उसको रेफर करने की किया गया, बच्ची को जिला अस्पताल के लिए भेजा जाना था, उसके लिए 108 की एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अभिभावक हड़बड़ा करके जिस गाड़ी से लेके आए थे उसी गाड़ी से लेकर निकल गए, और बच्ची कुछ दूर ही जाने के बाद एक्सपायर कर गई थी। तो कुल मिलाकर ये हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, बाद में हमने पोस्टमार्टम भी बच्ची का कराया है, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण अज्ञात लिखा हुआ है, और इसका बिसरा रख लिया गया है। बिसरा की रिपोर्ट लखनऊ भेजी जाती है, रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है बिसरा की रिपोर्ट से इसके मौत का कारण पता चल सके।